हमने निकाल लिए हैं रोटी और सब्जी, गोभी, आलू और बैगन का। तो सब्जी को भी हम काट करके धो लिए हैं। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोनाचार ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी दोपहर का बज चुका है 2 और मौसम तो आज पूरी तरह से खराब किया हुआ है। उस रात से ही, कल शाम से ही पानी थोड़े थोड़े आ ही रहा है, बरस ही रहा है और अभी लगातार नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ बूंदा बूंदी आ रहा है पानी और पूरी तरह से एकदम बादल ही बादल है। देख रहे हैं, एकदम एक भी फ्रेश नहीं किया हुआ है। अभी सूरज उगने की लगता है कोई गुंजाइश होगी, वहाँ पर थोड़ा सा बदरी फटने की दिख रही है चिमनी के पास में। और फिलहाल अभी हम लोग रूम, उधर हम लोग का है तो रूम से अभी आ गए हैं बाहर। चारू चारू हाय बोल दो, मैं बोलेगी। ये चारू अभी हमको दुकान चला रही है। मम्मी दुकान चलो, वो दवाई वाला है छोड़ दो, दुकान चला रही है। मम्मी दुकान चलो कह के तभी दुकान नहीं जाएंगे, बोल रहे हैं शाम को जाएंगे दुकान ना बेटा। चलो इधर चलो, इधर 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 ऐसे घूमू करने अभी निकले हम लोग ना। तो हम लोग यहाँ पर, हम लोग का निकासी जो है ख़त्म हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से बुझाए, हम लोग का कश्ती हो चुका है और निकासी अभी हम लोग का नहीं मिलेगा। देख रहे हैं पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, राबी सभी ढक रहे हैं। ये देखिए ढक रहे हैं और पूरी तरह से आज गधे से पूरा बुझाई ख़त्म कर दिए हैं। तो मालिक शायद बोलेंगे तो और नहीं बोलेंगे तो वैसे रहेगा, क्योंकि पथेरे लोग जो ईंटा पाथते हैं ना, वहाँ पर भी नहीं है ईंटा, क्योंकि सूखने नहीं दे रहा है, पानी आ रहा है लगातार तो गल जा रहा है इस वजह से। तो अभी हम लोग का नहीं मिलेगा और यहाँ तक निकासी पहुँचा हुआ है गुलाई तक, और उसके बाद में जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक हम लोग को निकासी नहीं मिलेगा। तो चलिए आप सभी को थोड़ा सा भट्ठे का ऊपर में ले चलती हूँ। तो ये जगह से हम लोग, यहाँ है रास्ता, तो यहाँ से हिटते हुए जाएंगे ना बेटा। चारू बोलो बेटी, बाबा वैसे नहीं बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। तो इस तरह से रास्ता है, तो चढ़ चुके हैं और देखिए, चलो उतरो, चलो चलो आगे आगे चलो हिठो। तो चारू नहीं जाएगी उधर आ गए, चलो वो तो वहाँ पापा है चलो। तो फिलहाल अभी हम लोग भट्ठे के ऊपर में आ गए हैं और चारू यहाँ पर खेलना शुरू कर दी और चारू के पापा सब वहाँ पर बैठे हुए हैं, आग तपा रहे हैं, अभी वही तक पकाए हैं। तो इस वजह से यहाँ हम लोग का निकासी नहीं खुलेगा, तो इस वजह से भी काम हम लोग का बंद हो चुका है। और यहीं से देख रहे हैं मौसम किस तरह से किया हुआ है, पूरी तरह से बादल और पानी आना शुरू। तो यही सब है हम लोग का काम, 2 दिन बाद खुलेगा निकासी। चलो ए, गंदा है ठेको, गंदा छी। चारू दुकान चला रही है, तो चारू पापा वहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा रूम है जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, पकाए वाला मिस्त्री लोग, लोग यहीं पर रहते हैं। तो चारू पापा के पास पहुँच गए हैं और डोगी सबको देखिए यहाँ पर लेटे हुए हैं, क्योंकि इधर में थोड़ा थोड़ा गर्म है, सुसुम है। और एक डोगी को देखिए बहुत ही मस्ती में सो रहा है एकदम। देखिए डोगी क्या है, कुत्ता है ना बेटा, अच्छे से सो रहा है पूरी तरह से मस्ती में। और चलते हैं वहाँ पर, चारू पापा के पास जा रहे हैं। चारू हिंट रही है, थोड़ा थोड़ा गर्म है, आलू दे दे रहे हैं बाबू। गोदी कर लीजिए, गोदी कर लीजिए, ऊपर दुकान जाएंगे बोल रही है। भट्ठे में और शाम का बज चुका है 4 और अभी हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो चारू नहीं रहने खोज रही है, आ रही है दौड़ते दौड़ते आ रही है, आ जाओ। काफी मस्त एकदम हरा भरा दिखता है यहाँ पर सारे, कोई भट्ठे यहाँ पर जो ईटे पथाई किया है ना पूरी तरह से भींज गया है, थोड़ा बहुत है बचा हुआ। इस तरह से देखिए यहाँ पर पाथे हैं वो यहीं पर जमीन में ही है, ये है
और उसके बाद में भी बस इसी तरह से चल रहा है। और फिलहाल अभी चलते हैं, चलो आ गई, चलो घर, चलो घर आए। ये दुकान चलाती है, चलो दुकान नहीं जाएंगे हम, जा रहे हैं खाना बनाने। तो 4 बज गया है तो सोच रहे हैं कि क्यों ना चलते हैं रोटी और सब्जी बनाएंगे। तो रूम जगह पर पहुंच गए हैं और देखिए इधर पर रूम का स्थिति, पानी आकर के डील गया है। और एक बाबू को देखिए पूरा मस्ती में खेल रहा है। का डॉन, यहाँ का डॉन है ये, अच्छे से खेलता है। यहाँ पर पानी है, मजा मजा ने ने। और चारू भी देखिए आ गई, देखिए हाँ अब इसी में खेलेगी तो। ये देखिए देखिए देखिए, जब पानी आ जाता है तो बच्चों सबको पूरा मस्ती एकदम हो जाता है। तो इधर रहो, इधर रहना ने, इधर खेलना। अब चलते हैं खाना बनाने। बर्तन धो के रख दिए हैं, बर्तन धो करके रख दिए हैं। अब चलते हैं पानी लाएंगे और उसके बाद में आटा सानेंगे, रोटी बनाएंगे और बैगन आलू का सब्जी बनाएंगे। आटा सान करके रख लिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से। एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में सानने के लिए दिक्कत हो रहा था और पानी डालने के लिए, तो हम सान लिए हैं। अब बनाते हैं सब्जी। यहाँ पर है बैगन, आलू, आलू मतलब गोभी जो है खराब हो रहा है ऊपर ऊपर में, देखिए गल रहा है, इसी को सब्जी बना देंगे। तो काट लेते हैं। तो सब्जी को भी हम काट करके धो लिए हैं, बैगन, गोभी, आलू और यहाँ पर टमाटर। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जी को ही बना लेते हैं, क्योंकि हमारा आटे जो है, आटे हमारा यहाँ पर फूलते रहेगा अच्छे से तो और अच्छे मुलायम बनेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सब्जी को बना लेते हैं, तो उसके लिए फौरन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गोभी को निकाल करके यहाँ डाल दिए हैं और गोभी को हम खोला ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा खराब लग रहा था तो उसको हम काट करके तो हटा दिए थे, लेकिन इसको एक बार खोला लेंगे तो जितने भी कोई भी चीज़ होगा वो उबल कर बाहर निकल आएगा। तो चलिए ये उबल चुका है, तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं फिर से, तो झंझरा से निकाल लेंगे इस तरह से। उबला हुआ गोभी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितने भी कोई भी चीज होगा वो डबक कर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम निकाल ले रहे हैं, गैस को पहले कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, तेल भी डाल दिए हैं और लहसुन मरचाई प्याज का हम फौरन काट लिए हैं। अब डाल देते हैं यहाँ पर, और फौरन को हम पूरी तरह से जलने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गोभी को डाल देंगे। देते हैं गोभी को, साथ में ही फ्राई हो जाएगा इस तरह से। फौरन और ये मेरा गोभी दोनों अच्छे से भुंजा जाएंगे। देखिए फौरन अभी नहीं भुंजाया है प्याज मरचाई का, और यहाँ पर गोभी जो है अच्छे से तला भी जाएंगे, इस वजह से हम साथ में ही डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे मसाले जो है अक्सर यहीं पर रखते हैं, तो यही है हल्दी मसाला, जीरा, मिर्चाई पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे कुछ है। और यहाँ पर हम डाल दिए हैं टमाटर जो था दोनों, उसको भी डाल दिए हैं। और देखिए मस्त एकदम अच्छे से भुंजा गया है। चलिए हमारा सब्जी बन के है तैयार, अब चलते हैं फटाफट से बनाते हैं रोटी। इसको हम ढक कर रख देते हैं। सब्जी उतार दिए हैं और रोटी बनाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर मेरा रोटी बन रहा है इस तरह से, बहुत ही अच्छा बनता है रोटी, फूलता भी काफी मस्त है एकदम। दोनों तरफ अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पर रखते जाते हैं। केसरल बोलते हैं शायद इसको, इसी में रख रहे हैं।
घर में रहते थे ना, तो हम रोटी जो है यहाँ ये वाला रोटी को हम छोटा सा मेरा डेक्ची है, डेक्ची में रख देते थे। तो यहाँ पर अब ये आ गया है केसरल, तो यहीं पर रखते हैं और काफी अच्छा लगता है। तो चलिए इसी तरह से फटाफट बनाते हैं। और थैंक यू क्योंकि ये केसरल दिए हैं उनके लिए, काफी ज्यादा दिल से थैंक यू बोलेंगे। तो थोड़े थोड़े परथन डाल डाल करके इस तरह से बेलते जा रहे हैं, पकाते जा रहे हैं। थोड़ा सा रुखड़ी रोटी बनाएंगे और थोड़ा सा सोच रहे हैं घी वाला बनाएंगे, क्योंकि घी वाला हमको काफी ज्यादा पसंद है। इस तरह से बेलते जाएंगे। डालते जाएंगे इस तरह से, पकते रहेगा। हमने निकाल लिए हैं रोटी और सब्जी, गोभी आलू और बैगन का। देखिए कितना अच्छा दिखने में दिख रहा है, उतना ही मजा टेस्टी और खाने में भी लगेगा। तो चलिए ब्लॉग को हम इतने रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।